I want, I hope that through this interaction we can create a council or some kind of a body which interacts with our, we have a Lahore office of NAVTAC, National Vocational Training Council. So, उनके साथ आप बैठें, उनके साथ बैठ के आप देखें कि हम किस तरह मजीद स्किल्स का और हुनर की तालीम जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सही तरीके से पूरी हों और उसका कोई पूरा एक अगर कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन रहेगा तो फिर जो हुनर की तालीम है और हम पंजाब टैप्टा से और बाकी चीज़ों से सब से मिल के उसको उस डायरेक्शन में लगा देंगे जहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना ज़रूर अर्ज करूँ कि हम ये जो एक जो स्किल डेवलपमेंट का जितना भी सेक्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इसमें खराबियाँ थी खराबियाँ इसलिए थीं कि जो हमारा सर्टिफिकेट होते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी इसलिए कि वो सर्टिफिकेट जो है उसके पीछे कुछ तो अच्छे इदारे होते थे जिनके सर्टिफिकेट होते थे कुछ एवं मतलब है कि कमाई का जरिया भी थे तो अब इसको हमने एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई है वो नेशनल एक्रेडिटेशन पाकिस्तान के हर हुनर का अदारा जो है उसकी ग्रेडिंग करेगी और ग्रेडिंग करके उसमें जो इजाज़त देगी और उनके ऊपर अपनी मोर लगाएगी जहाँ जहाँ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हम समझते हैं कि इस काबिल हैं तो उनको हम सपोर्ट करें तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में भी आपके जो हुनर की तालीम के सर्टिफिकेट हैं उनकी वैल्यू होगी अगर आप अपनी इंडस्ट्री में एक मशीनिस्ट की तलाश में हैं और आपको कोई सर्टिफिकेट लेके आता है कि जी मैं मशीनिस्ट हूँ तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि ये इस सर्टिफिकेट का कुछ मतलब है अगर और आपको ये नहीं है कि उसको दोबारा 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे याद है जब हमारी फैक्ट्री में हमने एक ये जो CNC मशीन्स के लिए एक ज़रूरत थी ऑपरेटर की तो हमने एडवर्टाइज़ किया तो जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके लोग आए थे उन्होंने कहा हमें कि हमने आज तक कभी CNC मशीन नहीं देखी मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थे उन्होंने कभी CNC मशीन की शक्ल नहीं देखी थी तो फिर क्या वो तालीम है और उसका क्या फ़ायदा सो ये लिंकेज करना जो है ये बहुत ज़रूरी है तो बाकी तो इंडस्ट्रीज़ के और बाकी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका तालीम से या स्किल से या इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है मैं कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं ट्रेड पॉलिसी या इन चीज़ों पर बात कर सकूँ लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे श्योर करता हूँ कि जो भी आप कहेंगे वो मैं मुतलका लोगों को और हमारा तो जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी आप ही की बरादरी से हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको सब चीज़ों का इदराक तो है तो मेहरबानी और उसके बाद कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ जी थैंक यू सर शुक्र बिल्कुल सही बातें आपने फरमाई अब हमारे कुछ हैं मेम्बरान जो सवाल करेंगे सबसे पहले मैं हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट मियां मिसबाह रहमान अगर कोई बात है आपको फयाज नियाज साहब है जी प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन और यही मेरे पास मसाइल लेके आए थे जिस तरह जो आपने कमेटी बनाई फाइनेंस मिनिस्टर की और राजा यासिर के साथ जिसमें हमारे मुराद रोज साहब भी थे मैंने राजा यासिर से और फाइनेंस मिनिस्टर को वेरी थैंकफुल इनकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और बड़े सेटिस्फाई हैं ये हाशिम जमा बख्श से भी और राजा यासिर से भी कुछ काम उनके हो गए हैं कुछ मसाइल रह गए थे तो वो अपने आपके जो सवाल आते हैं आप प्लीज़ करें अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच तारिक भाई का आप सबका बहुत शुक्रिया आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मिस्टर साहब आपको भी मोस्ट वेलकम सर सर कुछ हमारे जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं नंबर वन इशू इस वक्त करंटली ये है कि हमें NOC इशू नहीं किया गया वी वर प्रोवोक्ड और द टर्म्स विच दे ऑफर्ड अस दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी पब्लिशर सो अब NOC हमें नहीं मिला फेडरल गवर्नमेंट से एक बहुत साई ऑफ रिलीफ हमें आया और उस साई ऑफ रिलीफ को PCTB ने एज इट इज़ सॉरी ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन सर उन्होंने ये किया सर एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू प्ले गेम विद अस अब आप उन्होंने हमें टाइम ये दिया कि आपने 31 मार्च तक 20 मार्च को वो अनाउंस करें और कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आपने अपनी सारी किताबें उलमा बोर्ड से भी पढ़वानी है नंबर वन नंबर टू एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी से भी पढ़वानी है और 10 दिन में आप अपनी सारे पब्लिशर सारी किताबें 31 मार्च तक हमें जमा करवा दें सर ये
इट्स इट्स अनबिलीवेबल एंड इट्स नॉट पॉसिबल, किसी भी दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन सर, आप ये देखें, क्योंकि हमें हमारे पास NOC नहीं था, बुक्स वापस रेडी हैं एज पर SNC, लेकिन हमने NOC के लिए अप्लाई नहीं किया. अब पंजाब PCTB ये कर रहे हैं कि जो जो जिन स्कूल्स को हम कैटर करते थे, प्राइवेट स्कूल्स को, और वो नॉर्मली अपनी बुक्स बनाते थे पब्लिक स्कूल्स के लिए, तो उन्होंने चूंकि हमें NOC नहीं दिया, एंड व्हाट दे मूव्ड इज कि दे आर पब्लिशिंग देयर बुक्स विदाउट इशूइंग अस NOC. वो अपनी वो वाली बुक्स जो हैं वो पब्लिश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए. सो दैट इज ऑनेस्टली अ डेथ वॉरंट फॉर द पब्लिशर्स. सो वी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस सर. अच्छा, अब उसमें इन्होंने NOC के हवाले से एक दो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए. एक सर, हमें तमाम बुक्स अपनी उलमा बोर्ड से रिन्यू करवानी है. अब इस्लामियात मेक सेंस सर, और उर्दू भी मेक सेंस, लेकिन सर मैथमेटिक्स, साइंस और उसके अलावा सोशल स्टडीज, इस तरह की बुक्स का अगर हम उसमें रहेंगे तो हमारे लिए सर मुश्किल सर बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो जैसे भी आपने फरमाया कि सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो वाई नॉट सिंगल नेशनल NOC. और हम अगर सिंगल नेशनल NOC हो जाता है और फेडरल गवर्नमेंट से सर हो, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जो एस्टैब्लिशमेंट है PCTB की सर, सर मैं वेरी विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले अस, और वो हमें बड़ा स्क्वीज कर रहे हैं सर. कभी कोई नोटिफिकेशन, कभी कोई नोटिफिकेशन, और वो थ्रेट कर रहे हैं हम लोगों को कि हम अपनी बुक्स सेल ना करें. अभी आपने इतना, मैं जब आपसे लास्ट टाइम भी मिला था इकबाल उसमें ईवान इकबाल में सर, आपसे जब मुलाकात होती है तो हमें बिलीव नहीं, हम जाके सो जाते हैं कि इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, और बिकॉज आपके एंड पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो नीचे आती हैं, तो नीचे जैसे ही वो आती हैं वहाँ पे आपने एक नोटिस इशू किया था, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था रेड टेपिज्म, कि उसका वो उसको अवॉइड किया जाए. बिलीव मी सर, वो रेड टेपिज्म की जगह उन्होंने अब रेड डोर लगा दिया अपने दरवाजे के बाहर, और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं. हमारे पब्लिशिंग कम्युनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि लोग बीमार हो रहे हैं सर. मैं इट्स नॉट इमोशनल, बट मैं दैट इज़ द रियलिटी सर. तो काइंडली आप अगर ये दो तीन बातें एड्रेस कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच सर. जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि हमारा एटीट्यूड आपको बताया क्या है. हम तो ये चाहते हैं कि ये जो हमारा यकसा तालीमी निसाब का निज़ाम है, इसको जितने आसान तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें उतना बेहतर है. और उसके अंदर बहुत बड़ा जो काम था वो था कि पहले हमारे जहन में ये यकीनन था कि अगर सिंगल करिकुलम है तो सिंगल बुक भी होनी चाहिए. लेकिन फिर हमने इसको रिव्यू किया, हमने कहा कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. तो इसलिए हमने ये कहा कि सरकारी स्कूलों जो हैं उनमें तो ठीक है आप हमारी किताबें पढ़ाएं, और हमने मॉडल टेक्स्ट बुक्स तैयार की, लेकिन जो बाकी है उसके लिए अगर वो लेना चाहते हैं. सो आवर पॉलिसी वॉज वेरी क्लियर, इशू सिर्फ NOC का था. अब इसके अंदर जो मेरे इंसिस्टेंस के ऊपर जो कमेटी बनी पंजाब में, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा है कि May 24 तक सारे NOCs जो है वो इशू हो जाएंगे. यानी कि ये कट ऑफ डेट भी उन्होंने दे दी कि 24 मई तक जो जो अप्लाई करता है उसको NOC इशू हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि उलमा बोर्ड का जहाँ तक मेरी इतला है कि ये एक पंजाब असेंबली ने कोई रेजोल्यूशन पास किया था, तो अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो सिर्फ इस्लामी कुतुब के बारे में था या सारी किताबों के. अब इंग्लिश का सिलेबस या ये उनको मुझे नहीं पता कि वो ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून है तो वो उसमें कानून की एक आप समझें कि एक तरीका है जिसको अपनाना पड़ेगा. लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी कोई किताब हम अप्रूव करते हैं तो होना तो यही चाहिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है तो बाकी भी कर दे. तो उसके लिए हम मज़ीद, मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले वेनसडे को मेरी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, मैंने उसको पुरजोर अंदाज में कहा, और हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह. इसलिए नहीं कि सिर्फ कि आप मुझे पसंद है, वो तो एक अलग बात है,
लेकिन वो इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री का बड़ा रोल है. अभी जो 6, 7, 8 की हम करिकुलम तैयार कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि हम सरकारी किताबें बनाएं ना, कि हम करिकुलम बना दें, निसाब बना दें और इसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम हो सकता है कि हम ये कहें कि ये 6, 7, 8 की जितनी भी किताबें हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स बनाएंगे सरकारी स्कूलों के लिए. सो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि किसी का दिल दुखाए, क्योंकि ये आप ज़रूर कंसीड करेंगे कि पहले ऐसे कई तरीके हुए हैं, कई किताबें आई जिनमें ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे लोगों के दिल दुखे हैं. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सही तरह की स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो किया जाए. जी अमजद जावा साहब है जी हमारे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. वेलकम बैक टू योर ओन हल्का. मैं अमजद जावा हूँ फ्रॉम माडा टाउन. माशाल्लाह जी, थैंक यू बाजी. मॉडर्न टाउन में मुझे हमेशा बड़े मूल बनीन के घर मुलाकात हुई. अच्छा, बड़े अच्छे वोटों से कामयाब हो गए हैं. मैं क्या आप पिछली दफा भी 3,000 की लीड थी मॉडर्न टाउन. इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओन मिनिस्ट्री, लेकिन चूंकि आप फेडरल कैबिनेट के रुकन हैं तो आपकी एक तवज्जो दिलानी है. जी जी. मियां मिसबा साहब की तरह मेरा भी तल्लुक फार्मा सेक्टर से है, तो मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए पड़ता है. जैसे कि जब इंडिया से हालात ख़राब हुए हैं तो इमरान खान साहब ने बयान दिया था हमारा बहुत सारा आमशेर इंडिया से आता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर वर्क करेंगे. अभी तक आपका कोई इंसेंटिव नहीं आया कि फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बन रहे, तकरीबन 90% तैयार दवाइयाँ पाकिस्तान में बन रही हैं और 90% रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहे हैं. वी आर वे बिहाइंड. इस पर काम होना चाहिए. आप इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लाएँ. और दूसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये करनी है, बायोटेक प्रोडक्ट दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ फार्मा. कि ये जो अभी आपने देखा कोविड के दौरान जो इंजेक्शन भाग भाग के लोग लगवाते रहे, वो 15-16 हज़ार का एक इंजेक्शन था, वो या स्मगल हो रहा था या इंपोर्ट हो रहा था, नाम इसको तो मेरे ध्यान में नहीं है. बहरहाल इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन. पाकिस्तान में बायोटेक का तकरीबन 2% भी नहीं कहा, बट दैट इज़ द फ्यूचर. हमारी मौजूदा दवाइयाँ ऑब्सोलीट हो जाएंगी विद इन 50 ईयर्स में, और हम उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए आइंदा नस्ल के लिए. तो उनको ज़रा रियलाइज कराएं, कोई पैकेजेस दें ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो इस साइड पे आए जिसमें अभी प्यास है ना. फॉर्मुलेशन तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका, लेकिन रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक प्रोडक्ट्स इस पे ज़रा जिक्र करें और इसके लिए कुछ मेहरबानी करें. हमारे जो हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट हैं डॉक्टर फैसल, बहुत ही अच्छे और बड़े हैं, और मेरे मुझे यकीन है कि वो इस पे ज़रूर करेंगे. मैं उनको कन्वे कर दूंगा कि बायोटेक जैसे आपने बताया डॉक्टर फैसल सुल्तान जो पहले शौकत खान, हाँ उनको भी इससे इन्वाइट कर लेंगे, लेकिन मैं उनको कन्वे करूँगा. रहमतुल्लाह जावेद साहब है जी हमारे सीनियर मेम्बर, और ये हमारी टेफ्टा के बोर्ड पे भी रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर चैम्बर को, और हमारी एसएमई कमेटी को भी हेड करते हैं. बहुत शुक्रिया जनाब मिनिस्टर. जैसा कि आपको पता है कि महारत जो है वो आज से 50 साल पहले तो वही थी उस्ताद शगिर्द की, अब वही बात कि अब तो टेक्नोलॉजी ने ले ली है, और टेक्नोलॉजी के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, और अगर नॉलेज नहीं है, और अभी आपने फरमाया कि CNC का वो बंदा नहीं मिल रहा था, और आज से 15 साल पहले जब CNC की मशीन यहाँ पर आई तो वो हमारे पास एक ही थी, सारे पंजाब में नहीं थी, हमने कुछ वहाँ पर सिखाया. खैर, चूँकि मैं तो प्योरली टेक्निकल एजुकेशन का बंदा हूँ, तो इसलिए मैं टेक्निकल एजुकेशन पर ही बात करना चाहता हूँ. सबसे बड़ी बात ये है कि जी नैपटेक का एक बड़ा अहम रोल है और उसको हर वक्त जारी रहना चाहिए. ये मैं कन्फर्म करता हूँ कि अब आने के आपके आने के बाद अब उसमें बहुत बेहतरी आई है, और उसकी सर्टिफिकेशन का मसला आपने खुद ही बात कह दी. ये तो 12-12 हज़ार रुपये पे सर्टिफिकेट आज से 10 साल पहले बिकता था. जब मैं स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन पंजाब था 10-12 में, तो माफिया ने मुझे तंग कर दिया, मुझे काम नहीं करने दिया.
आखिरकार मैंने उनको FIA को कर करा के उनसे काफी एक बड़ी रकम रिकवर करवाई, लेकिन वो जो मेरा टाइम था वो उनको ही एड्रेस करने में लग गया, मैं कोई काम तो कर ही नहीं सका। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपने इस सर्टिफिकेशन पर जो एम्फेसाइज किया है दैट इज वेरी गुड एंड मस्ट कंटिन्यू, नंबर वन। नंबर टू सर, देखें ना वही बात, प्रमोटर ओवरसीज प्रमोटर जो है वो आपसे NOC लिए बगैर कंफर्मेशन किए बगैर किसी बंदे को बाहर नहीं भिजवा सकता, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात, वहां पर जब हमारा आदमी पहुंचता है तो वो काम नहीं कर सकता और वो $25 की बजाय $12 पे काम करता है या उसको काम नहीं मिलता, और अगर काम नहीं मिलता एक तो मुल्क की बदनामी होती है और दूसरा पीछे सर वो अपनी माँ का जेवर बेच के गया होता है, उधर माँ मर जाती है उधर बेटा मर जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्टिफिकेशन की तरफ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वरना हम नहीं कर सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए या आपको पता है कि मैं आपको मिला था, आपके दफ्तर में हाजिर खिदमत हुआ था, वो हम एक बोर्ड पर भी इकट्ठे हैं मॉल टाउन में, आपको पता है वो डोर ऑफ अवेयरनेस में, तो उसमें मैंने गुजारिश की थी कि अगर तो हुकूमत पाकिस्तान इसको सही तरीके से चलाना चाहती है और आपकी पैटर्नेज अवेलेबल होगी तो मैं तो फिर भी खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें अब काफ़ी अरसा गुजर गया और अब मैंने पता लग रहा है कि उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर ये काम हो रहा है सर तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर हालत में एक मजबूत कंट्रोल की जरूरत है, वरना उसके बगैर फिर हम वहीं पर रहेंगे जहां पर हम पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप इस मामले में बहुत अच्छी, बड़ी मुबारक हो, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम शुरू किया, ये बहुत अच्छा एक सिलसिला है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस सारे पाकिस्तान में होनी चाहिए। आखिरी बात सर, यहाँ पर सिलेबस की बात होती है सर, सिलेबस जो है, मैं कराची गया था, नैफ्ट उन्होंने बुलाया था मुझे, टैप्टा ने, शहजाद सलीम साहब उस वक्त मिनिस्टर होते थे, तो मैं हुकूमत सिंध की दावत पर गया तो मैंने वहाँ पर एक दो दिन उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी। तो मैं समझता हूँ सर के टेक्निकल एजुकेशन पेशकश प्लास तो एक ही है सर, किसी और जगह पर तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आपका जो टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल के सिलेबस है वो अक्रॉस द कंट्री एक होना चाहिए। अगर उसमें फर्क होगा तो कराची वाला लाहौर आके काम नहीं कर सकता और लाहौर वाला अबू धाबी जाके काम नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि ये इंडस्ट्री को बहुत रिलेट करता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो उसके बारे में बताऊँ। अब हमारा प्लान क्या है, हमने एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई है जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा होगा, उसका हेड हमने मुकर्रर कर दिया है, आपको नाम याद है उनका, इस्लामाबाद के वो हैं, अपना बिजनेस मैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि उसके हेड हैं, और उसके पूरा स्टाफ होगा, पूरा बजट होगा उसका, सब कुछ होगा। उसका काम यह है कि वो सारे पाकिस्तान के जितने भी हुनर के अदारे हैं उनको वो टीमें बनाएं, उनका तरीका बनाएं, उनको विजिट करें और फिर देखें कि वहाँ पे तालीम किस किस्म की दी जा रही है, उसके मुताबिक वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। जब ग्रेडिंग हो जाएगी तो जिनको वो समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर तालीम हुनर की हो सकती है तो उनको एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगी, एक्रेडिटेशन सिर्फ उनको मिलेगी जो कि इस काबिल होंगे कि वो हुनर की तालीम दे सकें, और उस पर गवर्नमेंट की स्टैंप लगेगी, उनकी जो सर्टिफिकेट इशू होगा उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप लगा होगा, ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। उसके बाद जो आपने बात की, हर हजारों ट्रेड्स हैं, हमने तकरीबन 300 ट्रेड्स ऐसी हैं जिनके नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बना दिए हैं, वो जो आपने कहा था ना कि यकसा होना चाहिए। मसलन अगर एक प्लम्बिंग है तो प्लम्बिंग का ग्रेड 1, 2, 3, 4 बन गया, इसी तरह अगर कोई मशीनिस्ट है उसका भी ग्रेड 1, 2, 3 बन गया है, वो सारे पाकिस्तान के लिए।
अगर ये आती है तो उसके भी स्टैंडर्ड बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी स्टैंडर्ड बन रहे हैं सब. तो ये बड़ा काम होता है नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाना, और हम इस काम पे लगे हुए हैं. फिर साथ साथ हम अपने सर्टिफिकेशंस की इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं सिटी एंड गिल्ड वगैरह उनके साथ हम एक रब्ता करके, ये तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, नहीं तो ये जो स्किल डेवलपमेंट में हमने बहुत आगे निकल जाना था. लेकिन इंशाल्लाह अभी क्योंकि हमारे फिर तालीमी इदारे बंद हो गए, वोकेशनल इदारे बंद हो गए, बाहर ट्रैवल करना मुश्किल हो गया. लंदन में अभी भी आप जाएं तो 14 दिन की आपको वो क्वारंटीन करते हैं. सो यू नो कई चीज़ें डिफ़िकल्टीज आई हैं, लेकिन मैं ये आपको अश्योर करता हूँ. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको पता है कि हमने वो उसके ऊपर वेबसाइट पूरी जो है वो अब आपके पास ये सबके पास होगा कि आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन के क्या लोग अवेलेबल हैं, और दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प कि ऑनलाइन इस किस्म की चीज़ जो है वो हो जाए. मियाँ रियाजुर रहमान साहब हैं जी, सर्विंग स्कूल अलायंस के प्रेसिडेंट भी हैं और कन्वीनर भी हैं हमारे एजुकेशन कमेटी के लॉ चैंबर. थैंक यू वेरी मच सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं प्रेसिडेंट तारिक मिसबा साहब का, वाइस प्रेसिडेंट ताहिर साहब का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर हमीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और आज हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट जनाब शफकत महमूद साहब का भी बहुत शुक्रिया सर, आपने आज टाइम दिया हमें. और आपने जो सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया सर, वो मैंने अपनी कॉल में भी वज़ीर आज़म साहब को गुजारिश की थी कि ये आपने बहुत एक एहसन काम किया है, और मैं उसको पहले भी अप्रिशिएट शुरू दिन से करता रहा, और वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा कि आपने कितनी मेहनत से और किस तरह किस जज्बे से वो बनाया. तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, और बहुत खुशी है कि आपकी तरह के वज़ीर तालीम हमारे पास मौजूद हैं सर. सर चंद मसाइल हैं स्कूल्स के, जो अभी जैसे फवाद साहब ने भी बात की कि स्टेक होल्डर को एतमाद में जैसे नहीं लिया जाता, इसी तरह स्कूल्स ओनर्स को भी यहाँ पे एतमाद में नहीं लिया जाता. यही रिक्वेस्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की थी कि अगर आप हमें एतमाद में ले लें, आपकी जो पंजाब भी आप ही की टीम है, वफाक की टीम पंजाब है, और पंजाब को अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दें या उनको ये बात इस बात पर कायल कर लें कि आप स्कूल्स को भी एतमाद में लें, आप पब्लिशर्स को भी एतमाद में लें, आप हम सबको एतमाद में लेने के बाद जो भी अपनी पॉलिसी बनाएंगे वो ज़्यादा मौसर होगी. सिंगल नेशनल करिकुलम भी सर जब तक स्टेक होल्डर एतमाद में नहीं आएंगे ये कामयाब नहीं हो सकेगा. तो इसी में स्कूल्स ओनर्स को भी आपका साथ देना है, पब्लिशर्स को भी आपका साथ देना है, हम सब एकमुलेटिव मिलकर ये एक काम कर सकते हैं जो कि हमारी बेहतर नेशन के लिए वाजे होगा इंशाल्लाह. तो सर मेरी इसमें दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसके लिए कोई और हमें आप बता दीजिए कि हम मजीद क्या कर सकते हैं कि जिससे कि स्टेक होल्डर को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जा सके. हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बात सुनते भी हैं तो वो आज की हद तक बात होती है, एक मिनट के लिए होती है, अगले मिनट में दोबारा वही पॉलिसी आ जाती है जो उन्होंने सोची होती है या जो उन्होंने अपनी प्लान की होती है. मेरी चंद दिन पहले भी मुराद राज साहब से डिस्कशन हुई है, मैं गया हूँ, उनसे मुलाकात भी हुई है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है. वो वही सेम रिक्वेस्ट सर मैं आपके भी पेशे खिदमत करता हूँ. सर एक तो गुजारिश ये थी हमारी कि स्मार्ट लॉकडाउन हम चाहते हैं कि आप उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप वो लगा दीजिए, जैसा कि सर बलूचिस्तान में, सिंध में और केपीके में बहुत कम केसेस हैं. तो हमारी सर ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इन एरियाज़ को, यहाँ पे स्कूल खुले रहने चाहिए और यहाँ पे बच्चों को आने की और रेगुलर अपनी स्टडीज़ की परमिशन रहनी चाहिए. पंजाब और जिन एरियाज़ में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, वहाँ भी स्कूल का और बच्चों का ताल्लुक एजुकेशन के साथ मुनकता ना किया जाए किसी भी तरह से, वो दोनों लिंक्ड अप रहें. मैंने सर मुराद राज साहब को भी गुजारिश की थी कि एटलीस्ट 2 डेज बच्चे को स्कूल बुला लिया जाए, या फिर अगर आप समझते हैं कि बहुत ही इंतहाई हालात ख़राब हैं तो बच्चे को एक दिन स्कूल बुला लीजिए, आधे स्कूल के बच्चे एक दिन आ जाएं और आधे स्कूल के बच्चे एक दिन आ जाएं. तो इस तरह सिर्फ 2 डेज स्कूल खुलेगा और आपके बच्चों बच्चे जो हैं वो टीचर्स के साथ लिंक्ड अप और लाइंड अप रहेंगे. तो सर इस पर ज़रा आप भी, तो मैं गुजारिश है कि आप भी इसके ऊपर नज़रसानी फरमाइएगा. So we welcome Raja Yasir Saab, Provincial Minister for Education, Higher Education and IT to Lahore Chamber. Thank you sir for joining. Thank you sir. Sir, इसमें further ये request है कि आप अगर schools को shiftों में भी divide कर देते हैं ना, 2 shifts कर दीजिए, 3 shifts कर दीजिए, तो हम उसमें भी समझते हैं कि हम किसी तरह से अपने system को manage कर लेंगे. आपने पहले स्ट्रेंथ 50% की थी, अगर आप इसको 20%, 25%, 30%, 40% पर शिफ्ट भी कर देते हैं तो हम उसको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो सर इसमें एक और लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि कई दफ़ा गुजारिश की गई है कि हमें फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है,
ताकि इस वक्त जो हमारे छोटे स्कूल्स हैं, जो सर्विंग स्कूल्स हैं या जो छोटे लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, वो बड़ी मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। उन्होंने रेंट भी नहीं दिए हुए, सैलरीज भी नहीं उनकी पेंडिंग है, तो वो इस तरह कुछ कंपनसेशन उनकी हो जाएगी और निज़ाम तालीम और ख़ास करके तालीमी इदारे जो हैं वो स्टैंड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया जी रियाज साहब, मैं वेलकम करता हूँ यासिर साहब को। ये हायर एजुकेशन के हमारे वजीर हैं, लेकिन इनके तवस्सुल से हम आपके जो तहफ़ुज़ात हैं वो लोअर जो स्कूल एजुकेशन है उन तक पहुँचाने की, वैसे तो खैर मैं मुराद को कहता रहता हूँ। और पहली तो बात यह है कि आपका शुक्रिया कि आपने शख्सा तालीम निसाब के बारे में बात की, और बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं, तो आप लोगों के साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन होनी चाहिए। और अच्छा है कि दो दिन पहले आपकी मुराद राज साहब से मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब है कि एक इंटरेक्शन का सिलसिला है जो कि आगे चलाया जा सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आगे यासिर साहब को पता है, हमारी सारी मीटिंग्स में मौजूद भी होते हैं, हमारी इंतहाई कोशिश ये होती है कि तालीमी इदारे बंद ना हों। मतलब ऐसे ऐसे हालात में जबकि हमें हेल्थ वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं कि जी हालात बड़े ये हैं, हम फिर भी कोई ना कोई तरीका जो है वो निकालते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें। अब ये आपने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं कि जी 1 or 2 days के लिए, आपने कहा हमने KP में ये ट्राई किया था कि बच्चे स्कूल एक दिन आते थे अपना होमवर्क लेके चले जाते थे ताकि उनका ये एक आना जाना जो है स्कूल में कायम रहे और होमवर्क भी जो है वो चलता रहे। सो ये ज़रूर जहन में रखेंगे, हमारी 24 तारीख को मीटिंग है जिसमें हमने, लेकिन ये भी ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है। और अभी तक जितनी भी रिसर्च नज़र आई है उसमें हमारे जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ये ख्याल है कि स्कूल्स जो हैं उनके साथ लिंक है इन्फेक्शन की स्प्रेड का। उसकी वजह ये नहीं है कि स्कूलों के अंदर, उसकी वजह है कि स्कूल जो है ना 5 करोड़ बच्चा मियाँ साहब इस वक्त स्कूलों और यूनिवर्सिटी मतलब तालीम के साथ है, 5 करोड़, तो वो एक आपका सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है आपकी पॉपुलेशन का। तो जब सारे स्कूल खुल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट उनकी साथ होती है, टीचर होते हैं उसके साथ, कंटीन वाले फलां फलां, सो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, तो उसकी वजह से फिर जो अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फिर फैलती भी है। तो जो अभी हमने 2 हफ्ते के लिए चंद जगह बंद किए थे उसका मकसद भी यही था कि हम ज़रा इन्फेक्शन का जो साइकिल है उसको तोड़ें। और आपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, आप देख लें कि हमारे अभी तक भी हमने पूरी कोशिश की है कि जिन ज़िलों में जहाँ जहाँ मसला नहीं है वहाँ पे स्कूल खुले रहने चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है पंजाब की तरफ से हमें क्या एडवाइस आती है, तो उसमें राजा यासिर साहब और मुराद रास मीटिंग में होंगे तो वो फिर हमें बताएं, डॉक्टर यास्मीन भी होंगी तो उनका सारा मिल के तो एक मुतफिका फैसला जो है हम मीटिंग में करें। जी सर, कासिम अब्बास साहब हैं उर्दू बाज़ार से, हमारे कन्वीनर भी हैं कमेटी के उधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब तारिक मिसबा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से CNC के मामलात को टेकअप किया और इस पे पूरे फौरी इकदाम का फ़ैसला किया और हमारे साथ सब दोस्तों को साथ लेके चले। ताहिर मंजूर साहब हमारे VC, उन्होंने भी बहुत ही इसमें इफेक्टिव रोल अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शफकत महमूद साहब का, मिनिस्टर एजुकेशन वो यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब राजा यासर साहब मिनिस्टर हायर एजुकेशन। गुजारिश ये है मिनिस्टर साहब के, जब ये मसाइल हमारे शुरू हुए तो कैफियत जो थी ना, एक जो बिल्कुल एक कैफियत ऐसी थी जो समझ नहीं आती थी कि मतलब लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गए, हमारे बिजनेस बंद हो गए, उसमें कंटिन्यूस पूरा साल जो है ना इस पूरा जो सेक्टर हमारा है वो इसमें मुब्तला रहा है इस बात में कि हम अपने माल नहीं बेच सके। जो प्राइवेट पब्लिशर थे उनके माल जो जहाँ पे उन्होंने भेजे हुए थे वापस आना शुरू हो गए, और 20 लाख के तकरीबन आप ये समझ लें कि जो लोग वाबस्ता हैं इस पेशे से,
इस हमारे डिपार्टमेंट के साथ उनके जो रोज़गार थे वो दाव पे लगे हुए थे, और वाकई ये सिचुएशन ऐसी थी कि वो ज़हनी मरीज़ बन गए। तो लिहाजा ये जो हमारे भाईजान ने जो तजवीज़ दी है कि स्कूलों को दो शिफ्ट में कर लिया जाए या तीन शिफ्ट में कर लिया जाए करके, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलेंगे तो पूरी साइकिल चलेगी, इसको एहतियाती तदाबीर के तहत ही इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और इसकी सबसे ज़रूरी बात जो है कि थोड़ा सा निज़ाम चलता रहे, ताकि जो एंड हमारा जो ट्रेडर है, जो उर्दू बाज़ार के पब्लिशर हैं, जो पूरे पंजाब में जो पब्लिशर बैठे हुए हैं, जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, उनका भी रोज़गार का सिलसिला जो है ना वो चलता रहे, वो वाबस्ता है इन इंस्टीट्यूशन के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। लिहाजा बहुत परेशानी है, इस परेशानी को भी गवर्नमेंट इसी तरह टेकअप करे जिस तरह के सिंगल नेशनल करिकुलम का जो सिलेबस तैयार किया गया, जो कि इंतहाई अच्छा कदम है जिसको हम सराहते हैं, जिस पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, और मिस्टर प्रेसिडेंट जनाब तारिक मिसबाह साहब ने इस मामले को इसी तरह लिया जैसे कि ये एक बर्निंग इशू है, और हमें साथ लेके चले और हमारी बातें सुनी गईं और हमारी बातें मानी गईं। कुछ जो मसाइल थोड़े से रह गए इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बहुत इंतहाई अच्छा कदम है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम पूरे मुल्क में और पंजाब में स्पेशली इसको नाफिज किया जा रहा है। लेकिन जो कैफियत है ना, कि जो हम एक दिन सोचते हैं उसको फैसला करते हैं, सुबह उठते हैं तो वो जरा कैफियत चेंज हुई होती है, फैसला कुछ और हो जाता है, हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो जो हमारा आगे ब्रोकर है, जो हमारे आगे दुकानदार हजरात होते हैं, वो जो उन्होंने एक माल स्टॉक करना होता है वो बेयकीनी की कैफियत में हो जाते हैं, वो चीज़ें नहीं उस तरह मामला चल रहे जिस तरह चलने चाहिए थे। तो लिहाजा जो ट्रेडर्स हैं उनको भी मतलब बिल्कुल इसमें एज ए स्टेक होल्डर उनको लिया जाए और उनकी बात सुनी जाए, और इस मामले को क्योंकि हम सब लोग साथ लेके चल रहे हैं तो उनको भी इसका पार्ट ऑफ रखा जाए हर सूरत। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अर्ज ये है, मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी है, हम तो तालीम के वजीर हैं और इसलिए हमारा तो सारा फोकस ये है कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए, और हमारी कोशिश भी होती है, लेकिन कई दफ़ा मजबूरी आ जाती है कि जो हेल्थ के स्टेटिस्टिक्स ऐसे आ जाते हैं कि उसके बाद कैरियर फिर जिम्मेदारी एक और भी आ जाती है कंधों पे, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई खराबी हो गई तो उसकी बड़े रिपरकशंस होते हैं। सो बहरहाल, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि स्कूलों का सिलसिला चल। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, राजा यासिर साहब मेरा ख्याल उस कमेटी में थे हाशिम वाली में, तो मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया, हमने तो इन राइटिंग पंजाब गवर्नमेंट को कई दफ़ा लिखा, और उसके बाद हमारे कहने पे ये कमेटी बनाई गई और कमेटी ने सारी चीज़ें तकरीबन रिजॉल्व कर दी हैं। एक चीज़ राजा साहब रह गई है, मैंने सुना है कि उन्होंने अभी बताया गया है, मुझे नहीं पता था इसका, लेकिन उन्होंने बताया कि जी एक तो 31 मार्च तक सारी किताबें जो है सबमिट कर दें, और दूसरा उन्होंने 1.5 लाख रुपया को रख दिया है, पता नहीं कितने हमारा इतना खर्चा होता है। हाँ कितना है? नहीं, लेकिन पहले तो मुझे किसी ने कहा था कि एक पैसा भी पर बुक पर, अब नहीं है। तो आपने हमारा पॉल देखी है? इसका बता रहे बेसिकली जमा आपने भी करानी है, लेकिन मई तक आपको जवाब दे देंगे, ये उन्होंने कहा। किताबें तो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है ना? आपने अपनी किताबें जमा करा देनी है, बाकी प्रोसेस जो है 24 मई तक खत्म हो जाएगा। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंटरनल रिव्यू एंड देन बोर्ड, एंड आफ्टर दिस टू एक्सरसाइजेस वी हैव टू सबमिट द बुक्स विद पीसीबी बिफोर 31 मई, मार्च में। सर उसमें जो इशू है ना, दो प्रॉब्लम है। सर ये कहते थे कि जल्दी हमें जवाब दिया जाए,
अगर जवाब जल्दी लेना है इन्होंने तो फिर इनको सबमिट भी जल्दी करानी पड़ेगी, नहीं तो वो डेट आ गई, इनको मई तक जवाब चाहिए ना। तो अगर मई तक हम वो डेट लेके अगस्त या वो तो अगस्त से हम वापस मई तक उनको कन्विंस किया स्कूल एजुकेशन को इस कमेटी ने कि उसको मई में लेके आए, तो ऑब्वियसली उनको भी तो डेढ़ दो माह चाहिए उसको रिव्यू करने के लिए या फिर ये प्रोसेस खत्म कर दें। उसमें सिर्फ ये है कि कह रहे हैं कि रिव्यू इन्होंने खुद करवाना है। यस जी सर, मैं अगर आपको एक छोटी सी सजेशन सर सर कि टाइम फ्रेम रख दिया जाए, लाइक बोर्ड को, बोर्ड हमें दो महीने में एनओसी दे दे किसी भी बुक का और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस चलाते हैं और डेडलाइन को वेव कर दें और एक पीरियड रख दिया जाए दो महीने का बोर्ड हमें दे दे। और माशाल्लाह इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे केस को एड्रेस किया, बल्कि मुझे लग रहा था कि राजे साहब नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, सो इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता था। तो अगर राजे साहब हमें टाइम देते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा है सर। ये जो उलमा बोर्ड है ये आपका प्रोफेशनल असेंबली एक्ट है सर, जो बात अहम है वो ये है कि ऑलरेडी इनका काफी है, मैंने और हाशिम ने, तो जाहिर है जैसे बनवानी है आप तो एक आपसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वो कितना इतनी लीवरेज उन्होंने कहने पे ही दी है, काफी हमने उनको कन्विंस किया है। ठीक है जी, राइट राइट और दो दो जी जी जल्दी से आज मैं माइंड साइंसेस ट्रेनर हूँ और मैं चाहती हूँ आपकी त्वचा एक चीज के बारे में दिलाना चाहती हूँ। ह्यूमन माइंड जो होता है उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है, क्या फर्क होता है कि एक वजीर बन जाता है और एक आम सा बंदा रह जाता है अनसक्सेसफुल, है कि उस वजीर की एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है, खास किस्म का उसको माहौल। लेकिन उस तबके के लोगों के मुताबिक उनका माइंड किस तरीके से वर्क करे कि वो सब ग्रो लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि मिले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक नोबल कॉज के लिए मैं पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहूंगी ट्रेनिंग फील्ड में, और लाहौर चैम्बर की कन्वीनियर होने के नाते भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आई वुड लव के कुछ लोग यहाँ से सोसाइटी से उठें जो पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ऑन दिस। गुजारिश ये है कि सारे स्कूलों के स्टैंडर्ड एक बराबर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अमेरिका में भी अगर आप जाएं या डेवलप वर्ल्ड में भी जाएं तो अगर आपका जो एरिया चेंज होता है तो स्कूल के वैल्यूएशन भी चेंज हो जाती है, सो बल्कि किराए बढ़ जाते हैं जहां पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट जिसको जो अच्छा बेहतर होता है जी, सो वेरिएशन तो हर जगह है। लेकिन ये जो हमने यकसां तालीमी निसाब इंट्रोड्यूस किया इसका मकसद ये था कि कम अज़ कम निसाब पहले एक जैसा करें। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि निसाब बनाना और उसको रिव्यू भी करना है, उसके अंदर कई चीज़ें आएंगी जो कि प्रैक्टिस में पता लगेगा कि उसको ठीक बेहतर किया जा सकता है, वो भी करें। अब दूसरा चैलेंज है टीचर ट्रेनिंग, कि जो एक गांव का स्कूल टीचर है और एक जो एक एलीट प्राइवेट स्कूल का टीचर है उसकी कैपेसिटी को हमने एक बराबर कैसे करना है, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके ज़रिए
जरूरी नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए इस टीचर को लाहौर लाना पड़े या कहीं लाना पड़े, वो जहां पर मौजूद है टैबलेट के जरिए, डिस्टेंस लर्निंग मेथोडोलॉजी के जरिए उसको रोज लेसन भी आ सकता है, रोज मॉनिटर भी हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मौके फराहम कर दिए हैं जो कि पहले नहीं थे, तो इसलिए इंशाल्लाह आई एम सो सॉरी आई विल ऑब्जेक्ट कि पब्लिक सेक्टर के अगर टीचर्स इतने ही अच्छे हो कि डिस्टेंस लर्निंग करना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम ही कोई ना हो, तो हमने उनको लाना है इस चीज के ऊपर कि हमने डिस्टेंस लर्निंग करनी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस लर्निंग से जहां आप चंद सौ या चंद हजार लोगों की ट्रेनिंग करते थे, यहां पे कई लाख टीचर्स की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट बैकअप सिस्टम। व्हाट यू रियली नीड इज अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम। वंस यू हैव अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम, वो तो एक टैबलेट है, आपने एक टीचर को टैबलेट देनी है और उसको मॉनिटर करना है, उसको लेसन भेजना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ये भी है कि वो जब सफा उल्टाएगा ना अपनी टैबलेट का, तो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसने एक्चुअली पढ़ के सफा जो है उसको उल्टाया। सो देर आर बहुत टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है एंड वी आर डिटर्मिन्ड टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर टीचर ट्रेनिंग। इसी तरह जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो तो नेचुरली फर्क होंगी कि अब एचसन कॉलेज की फैसिलिटीज और एक देहाती स्कूल की फैसिलिटीज में फर्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें उसमें, लेकिन इस चीज में टाइम लगेगा और सारे स्कूल कभी भी एक जैसे बराबर नहीं होंगे। थैंक यू सर। हाजी आसिफ शहर साहब हैं जी, हमारे बोर्ड मेंबर हैं जी लाहौर चेंबर। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बस दो मिनट हैं, उन्होंने जाना है। सर एक मिनट में, बस थैंक यू वेरी मच माय ऑनरेबल प्रेजेंट साहब। मेरे मिनिस्टर साहब से दो क्वेश्चन है सर। एक पहला तो है सिलेबस के बारे में। सर 35 साल पहले एक स्टोरी थी मिस्टर चिप्स, वो पढ़ते थे मिस्टर चिप्स, ये दो साल पहले मैंने बुक देखी है, वो आज भी उसी तरह ही है सर। मिस्टर उस चिप्स से क्या लेना देना सर, उसकी निस्बत करके शाम की जिंदगी गुजारने का कोई तरीका होता तो बच्चे को फर्क। थैंक यू जी। इसमें एक्चुअली अभी तक हमने सिर्फ पहली पांच क्लासेस का करिकुलम बनाया है सर, अब हमारे नेक्स्ट फेज में 6, 7, 8 का हम बना रहे हैं जी जी, फिर 9, 10, 11, 12 में जाएंगे सर। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन चीजों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है वो कभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चांस बड़ा थोड़ा है। खालिद परवेज साहब हैं जी। अच्छा सर, दूसरा साहब हैं जी। सर दूसरा कम नहीं हो। थैंक यू जी सर। दूसरा फीस के बारे में सर, एक जो क्लास है जो 50,000 फीस देती है उनकी 5-10,000 बढ़ जाए या कम हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेसिकली बच्चे बेचारे गरीब लोग हैं जो 5,000 फीस देते हैं और उनकी फीस 500 या 1,000 कम हो जाए इस कोविड की वजह से, देखिए आज का स्कूल बंद है लेकिन फीसें जा रही है। थैंक यू सर। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है प्राइवेट स्कूलों की फीसों का। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जब बच्चा पहली दफ़ा किसी स्कूल में जाता है तो उसके प्लेस सामने एक मार्केट प्लेस है, वो इस तरह ही है जिस तरह के आप जाके मर्सिडीज बेंज भी खरीद सकते हैं, आप जाके टोयोटा करोला भी खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हैं, वो इनकम पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये हाँ आता है कि एक दफ़ा जब आपने फैसला कर लिया कि मैंने ये स्कूल में जाना है, लेट से 5,000 वाले में कर लिया, तो एकदम फीस बढ़ा दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। फीस जो है वो किसी सिस्टम के तहत बढ़नी चाहिए। वंस यू हैव मेड ए डिसीजन, चाहे आपने लाख रुपए वाला स्कूल लिया है, चाहे आपने 500 या 1,000 रुपए वाला स्कूल लिया है, उसकी जो इंक्रीज है ना, वंस यू हैव बॉट इनटू द सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी दम जो है ना वो 50% फीस बढ़ जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा एक 5% और 8% का एक सिस्टम है जो कि, तो मेरा ख्याल है वो सही है जी। खालिद परवेज साहब जी हमारे सीनियर मेंबर है। आज हमारा जो
खाना बिछाना हुकूमत के साथ चले और उसके उस मिशन को आगे बढ़ाए जिसमें यकसा तालीमी निजाम है जो आपका विजन है उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये नहीं है कि नेशनल बोर्ड करिकुलम और दूसरे बोर्ड लाए और हमारा पब्लिशर जो प्राइवेट पब्लिशर है माना जाए, इस तरह नहीं है, उसको बराबर लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक दाम है। अगर आप ये तरह तरह की शराय जो है वो आ रही है सामने, आप एक्चुअली अभी आए हैं, इससे पहले बड़ी तफसीलन डिस्कशन हुई है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के इकदाम देखें तो आपको नजर आएगा कि हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारा निजाम चल रहा है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रियाज साहब जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक महमूद साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी है और तमाम इंडस्ट्री से भी, कोई भी मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स से भी, कोई पेट्रोलियम के प्राइसेस जो उनसे वो फिक्स हैं और ड्यूटी स्ट्रक्चर भी उनकी चेंज नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसे देखना चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट ये पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है। नो, लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है। सेंचुरी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, उसकी तीसरी बार आपके मेंबर नहीं है, आपके मैन्युफैक्चरर 20-25% इंक्रीज कर चुकी है प्राइस। पेपर मैन्युफैक्चरर नहीं है यहाँ पे कोई, ये तो थोड़ी आपस की गल है ना। लेकिन सर ब्लेम तो गवर्नमेंट आ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट प्राइस आ रही है। एजुकेशन नहीं, रेस्टोरेंट को सोसेज को लीड हम करते हैं, तो उसे बच्चों को ना जो खाते हैं जो बुजुर्ग भी है ना वो समझते हैं कि हम भी उनकी आवाज है, और आप माशाल्लाह मोस्ट पॉपुलर हैं चिल्ड्रन में, तो उनकी एक रिक्वेस्ट सॉफ्ट पर्सनैलिटी रखते हैं। यूके ने कैंसिल कर दिया हुआ है ओ लेवल ए लेवल के एग्जाम्स, बांग्लादेश ने कर दिया हुआ है, इंडिया ने कर दिया हुआ है। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।